menarik. टॉप की कटिंग, ऐसे ये टॉप भी है, जींस के ऊपर भी पहन सकते हो और लेगिंग्स के ऊपर भी पहन सकते हो। तो सबसे पहले हम नाप लेंगे पूरी लंबाई का, इसको बिछा दो अच्छे से, बिछा के देखिए यहाँ से कंधे से लगा के पूरी लंबाई लेंगे। छाती है 36 की, 36 का चौथा भाग 9 हो गया, तो 9 प्लस 2 यानी 11, 2 इंच मार्जिन सिलाई के लिए। फिर कमर, रेडी कमर, कमर देख लो, इसमें इलास्टिक डाला हुआ है तो इतना आइडिया आएगा नहीं, तो अपने हिसाब से उसका या तो बॉडी का नाप ले लो या फिर ये छोड़ना पड़ता है, और बाकी मीडियम से लगा के मोटे लोगों तक 3 फिक्स है, बाकी बचा वो कंधे के लिए। फिर उसको तो हल्का सा आधा इंच तिरछा हाथ की गोले की तरफ ले जा, आधा इंच सिलाई का छोड़, ये मार्जिन करके फिर अपनी हाथ की गोले, जो बगल की गोले आई थी 8.5, इसमें 8.5 ये आ गया, 8.5 आना जरूरी है।
ये जो कंधे से छाती तक की लंबाई है उसी के बीच में ये छाती का नाप फिक्स रहेगा, उसी के बीच में ये हाथ की गोलाई का राउंड आना चाहिए। देखो ये जरूरी नहीं है कि भी लोग किसी का पतले भी होते तो आता है 7.5 और छाती आएगी, जरूरी नहीं है कि जितना छाती आए उतना ही एक कम हाथ की गोलाई है। कोई ज्यादा मोटे होते हैं पर हाथ से पतले होते हैं तो छाती का आ जाए 40 और हाथ की गोलाई 7.5-8 भी आ सकती है, तो ये माप लेना जरूरी है। इसी के बीच में अपनी गोलाई बननी चाहिए। यहाँ पे अपना कमर का नाप निकालने के लिए 7.5 या 8 इंच पे एक निशान कर, फिर यहाँ से मैं लूंगी कमर का नाप। कमर आई 8.5, 34 का चौथा भाग, ये 8.5+2 10.5, ये 10.5 पे निशान कर देंगे और इसको मिला देंगे। फिर पूरी लंबाई जहाँ पे आई वहाँ पे घेर का निशान, घेर कम से कम 14 या 15 ले लेने का, क्योंकि पूरा पैक है, ये कुछ कुर्ती नहीं है, ये टॉप है। तो 14+1 15 एक इंच मार्जिन का और इसको मिला दे। ये मिलाने के बाद ये जो ये पूरी लंबाई कितनी लिया अपन 40 हो गई अपनी कटिंग। आगे वीडियो में इसके